अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आई होप के सब अच्छे होंगे और सभी की गार्डनिंग बहुत अच्छे से चल रही होगी और अपना और अपने घर वालों का ख्याल भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से रखा जा रहा होगा। जी, तो आज जो मेरा टॉपिक है वो है पेंजी की सीडलिंग को ट्रांसप्लांट करना। पेंजी एक्चुअली बहुत ही खूबसूरत सा फ्लावरिंग प्लांट है विंटर सीजन का, और जब तक हमें पेंजी के फ्लावर्स नज़र ना आए, चाहे जितने भी कलरफुल फ्लावर्स हम गार्डन में लगा लें, नज़र आने शुरू हो जाए, लेकिन पेंजी के बगैर कुछ ना अधूरापन सा रहता है। तो शॉर्ट वीडियो बना के मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि ये वाला पॉट मैंने नर्सरी से परचेज किया था, और ये वाला जो पॉट है ये मैंने खुद से ग्रो किया है, और ये फर्स्ट टाइम मैंने ग्रो किया है घर में। अदरवाइज़ पहले मैं हमेशा नर्सरी से बने बनाए प्लांट मंगवा लेती थी, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। माशाल्लाह बहुत प्यारे प्यारे और हेल्दी से प्लांट्स बन गए हैं पेंजी के, तो आज मैं इनको ट्रांसप्लांट करने जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं कि हम किस तरह से इनको ट्रांसप्लांट करते हैं। और ये देखिए, एक प्लांट पे बर्ड भी आ गई है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी सी, अभी कलर तो वाजिया नज़र नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, लेकिन बर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। और देखिए कौन कौन से कलर्स निकलते हैं मेरे इन प्लांट्स पे, क्योंकि मुझे ये बहुत खूबसूरत लगते हैं और मैं चाहती हूँ कि पेंजी का हर कलर हर शेड मेरे पास हो। और इस वाले पॉट में जो मैंने सीडलिंग की थी वो मैंने यही सोच के की थी बड़े पॉट में, कि मे बी फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा ट्रांसप्लांट करने पे, मेरे प्लांट डाई ना हो जाएं। तो कुछ प्लांट्स मैं अपने जो घर की सीडलिंग की हुई है इनमें से निकाल के ट्रांसप्लांट करूँगी, और बाकी मैं इस बड़े पॉट में छोड़ दूँगी। जबकि ये जो पॉट है इसमें मैं जस्ट एक पॉट प्लांट छोड़ूंगी, बाकी मैं सारे के सारे प्लांट्स निकाल के तो ट्रांसप्लांट कर दूंगी। तो पेंजी के लिए हमें जिस तरह की सॉइल चाहिए वो आप एक हिस्सा गार्डन की सॉइल लें, एक हिस्सा उसमें सैंड या भल वाली मिट्टी शामिल कर लें, और एक हिस्सा काउडंग मैन्यूर ले लें या वर्मी कंपोस्ट ले लें, या आप लीव्स कंपोस्ट ले लें जो कि अच्छी तरह से डिकम्पोज हो चुकी हो। तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है ये प्लांट और बहुत ही अच्छी इसकी ग्रोथ होती है, क्योंकि पेंसी को रिच फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। जैसे यानी कि कोई रिच सॉइल है उसमें फर्टिलाइज़र की मिकदार अच्छी है, तो इस तरह की सॉइल में पेंसी बहुत ही अच्छा ग्रो करता है। तो पेंसी की जब मैंने सीडलिंग की थी तो मैंने वीडियो बना के आपके साथ शेयर किया था, तकरीबन 3-4 फ्लावरिंग प्लांट्स की सीडलिंग की थी, क्योंकि एक एक पे करना फिर काफ़ी टफ हो जाता है और हर प्लांट पे सीडलिंग पे वीडियो बनाते बनाते भी टाइम गुजर जाता है। तो बहुत आसान केयर है इसको लगा के मैंने सीडलिंग करके, तो ऐसी जगह पे रखा हुआ था जहाँ पे सुबह की 2-3 घंटे की धूप आती थी, और इतनी अच्छी सीडलिंग की हेल्थ होने की वजह यह है कि इसको मैंने 2 दफ़ा बनाना पील फर्टिलाइज़र दिया है, और 1 दफ़ा मैंने इसको मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र दिया है। तो माशाल्लाह देखें, फर्टिलाइज़र जो मैंने मस्टर्ड केक का दिया है उसके बाद तो मैं खुद हैरान हूँ कि इतनी जल्दी प्लांट जो हैं वो बर्डिंग स्टार्ट कर चुके हैं। ये देखिए, इस वाले प्लांट पे भी बर्ड आई हुई है और इस वाले प्लांट पे भी बर्ड आई हुई है। तो जितने भी विंटर सीजन के प्लांट्स होते हैं, बनाना पील फर्टिलाइज़र हो गया और ओनियन पील्स हो गए, इसके अलावा ख़ास तौर पर जो रिकमेंड किया जाता है वो मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र है। बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ता है हमारे सभी प्लांट्स पे। मेरे पास अभी जितनी भी सीडलिंग ट्रांसप्लांट करने वाली पड़ी है मैं सभी को यही फर्टिलाइज़र देती हूँ, तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी और हेल्दी ग्रोथ है। तो चलिए जी, अब हम इसको करते हैं ट्रांसप्लांट। और हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जितनी आप सीडलिंग जितने पॉट्स में भी लगाएं, जो भी अनवांटेड इस तरह से वीड्स वगैरह उगें उनको साथ के साथ निकालते जाएँ, क्योंकि इसमें भी काफ़ी ज़्यादा लीव्स से नज़र आ रहे थे मुझे, तो उनको भी निकाला है, और मेरे जितने बाकी प्लांट्स में से सीडलिंग वाले पॉट्स थे उन सब में से निकाला है, वरना ये प्लांट मिट्टी में से जो फूड है वो सक करते रहते हैं, और हमारे जो मतलूबा प्लांट्स होते हैं उनको फर्टिलाइज़र वगैरह कम मिलता है, उनको कम गज़ा मिलती है, और हमारे प्लांट की सेहत इतनी अच्छी नहीं होती। और जब आप देखें कि आपने प्लांट्स को ट्रांसप्लांट करना है, तो अगर मॉर्निंग में करना है तो रात को पानी दे दें, अगर दिन में करना है तो सुबह सुबह पानी दे दें, शाम को करना है तो भी सुबह या दोपहर में पानी दे दें, ताकि प्लांट्स को जब हम निकालें तो प्लांट्स की रूट्स डैमेज ना होने पाएँ। तो
हमने एक एक प्लांट को बहुत ही इजीली निकाल लेना है इस वाली मिट्टी के अंदर से। ये देखिए, ये पेंजी का एक प्लांट आ गया हमारे पास। तो इसको ज़्यादा स्ट्रेस दे के नहीं पकड़ना, और ख़ास तौर पे इस जगह पे स्ट्रेस नहीं देना प्लांट के जहाँ से रूट्स बनना स्टार्ट हो रही हूँ। तो इस तरह से मिट्टी में होल करके अपने प्लांट्स को इसके अंदर सेट कर देना है, और साथ ही पानी दे के, अगर आपके एरिया में धूप या गर्मी ज़्यादा हो तो इनको शेडी एरिया में रखें 3-4 दिन के लिए, इसके बाद आप इनको धूप में कर दें। और पेंजी को आपने इस तरह की धूप देनी होती है जहाँ पे सुबह की 2-3 घंटे की या 4 घंटे की धूप आ जाए, जो बहुत ज़्यादा सख्त ना हो इनके विंटर सीज़न में, और उसके बाद इस पर शेड आ जाए। अगर तेज़ धूप है तो फिर आप इनको ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर इनको अच्छा माहौल मिल सके इनकी ज़रूरत के मुताबिक, यानी कि गर्मी सूरज की मिले इनको, लेकिन धूप अगर तेज़ है तो ना मिले। बट ये चूँकि फ्लावरिंग प्लांट है तो धूप तो ज़रूरी है। मैं ऐसी जगह पे रखती हूँ इनको जहाँ पे इस साइड पे मेरे सारे सुबह के कुछ टाइम के धूप आती है तकरीबन 3-4 घंटे की, उसके बाद इन पर शेड आ जाता है। तो जी ऐसे ही हम नेक्स्ट प्लांट निकाल लेंगे पेंसी का। ये देखिए, ये एक बहुत ही वीक सा प्लांट है और एक हेल्दी सा प्लांट है, तो इन दोनों को मैं इकट्ठा ही लगा दूंगी। बिल्कुल स्ट्रेस नहीं देना और ना आपने ज़्यादा दबा के पकड़ना है, इस तरह से करके। अब जब पानी देंगे तो जितने भी एयर पॉकेट्स वगैरह होंगे ना, वो ख़त्म हो जाएंगे। जब तक एयर पॉकेट्स बनते रहें, आप उनको एक दफ़ा अच्छी तरह से भर के पानी दे दें इस तरह से। ये देखिए, तो यूँ बहुत ही इजीली हम अपनी पेंसी की सीडलिंग जो है ट्रांसप्लांट कर लेंगे। मैंने ये 3-4 पॉट लिए हैं और आपके साथ जस्ट मैंने शेयर करना था कि हम इस तरह से कर सकते हैं पेंसी की सीडलिंग को ट्रांसप्लांट। बट वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैं कर लूँ फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। पेंसी प्लांट्स को जब हम ट्रांसप्लांट कर लेते हैं तो प्लांट आहिस्ता आहिस्ता फ्लावरिंग की तरफ जाता है। तो इसकी जो सबसे ज़रूरी रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है कि इसकी मिट्टी को हमने हर वक्त नम रखना होता है, क्योंकि इसके फूल बहुत ही नाजुक से होते हैं, और अगर प्लांटर्स में ज़रा सी भी पानी की कमी हो तो प्लांट डल सा होने लग जाता है और फूल भी मुरझा जाता है। तो इसलिए ट्रांसप्लांट करने के बाद इसकी मिट्टी को आप हर टाइम नम रखने की कोशिश कीजिएगा। जी तो कुछ इस तरह से देखिए, मेरे प्लांट्स ट्रांसप्लांट हो चुके हैं। सारे तो अभी नहीं किए, बट मैंने कुछ प्लांट्स ट्रांसप्लांट कर लिए हैं। जो छोटे 6 इंच के 7 इंच के पॉट्स हैं उनमें एक एक प्लांट लगाया है, 8 इंच के पॉट में मैंने 2 लगाए हैं, और इस वाले पॉट की भी थिनिंग कर दी है। तो ये देखिए, ये 12 इंच का पॉट है तो इसके अंदर मैंने 3 प्लांट लगा दिए हैं, क्योंकि जब पेंसी एक बुशी टाइप प्लांट बन जाता है, जब बहुत सारे फ्लावर्स खिलेंगे तो बहुत ही प्यारा भरा हुआ गमला लगेगा। ऐसे ही इस वाले पॉट में भी मैंने 3 लगा दिए हैं और इनको पानी दे दिया है। अब हम इनको रख देंगे शेड में या जहाँ मौसम ठंडा हो, क्योंकि पेंजी को धूप तो चाहिए होती है लेकिन अपने अतराफ़ में ह्यूमिडिटी भी चाहिए होती है। हल्की हल्की ठंडक में और सूरज की हल्की हल्की सी रोशनी हो तो ये प्लांट बहुत ही अच्छी ग्रोथ करता है और बहुत ज़्यादा हैवी फ्लावरिंग करता है। और इसके अलावा अगर आप इनके मंथली देखेंगे किस तरह से इस प्लांट को डील करना है हमने अच्छी फ्लावरिंग के लिए, तो आप अगर चाहें तो 15-20 दिन के बाद एक मुट्ठी कॉर्डन कंपोस्ट का डाल दें इसके अंदर, और हफ्ते बाद या 10 दिन बाद जैसे भी आप बनाते हैं कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र, 10 दिन बाद एक हफ्ते के बाद वो दे दिया इनको, तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी ग्रोथ करते हैं ये प्लांट्स। और बाकी ये जो मेरा नर्सरी से लिया हुआ प्लांट है, ये फिर मैं बाद में ट्रांसप्लांट कर लूँगी। तो ओके जी, इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो हमें याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।